तो टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध आज हम देखेंगे। कल हमने विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत जो पृथ्वी के वायुमंडल था उसके बारे में जाना, उसके विभिन्न परतों के बारे में जाना, किस तरह से क्षोभ मंडल होता है, मौसम संबंधी सारे बदलाव क्षोभ मंडल में होते हैं। आपने देखा कि समताप मंडल में ओजोन परत होता है और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। इसके अलावा हमने मध्यमंडल और आयन मंडल के बारे में भी जाना, लेकिन आज बच्चों हम देखेंगे कि टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में किस तरह का संबंध होता है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम या चित्र के आधार पर हम इसको समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु P है। पृथ्वी चूंकि गोल है ऐसा माना जाता है, तो मैं एक ऐसा पृथ्वी बना दे रहा हूं। इस तरह से ये पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु P है और टीवी टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं H। यहां पर टीवी टावर जो है PQ है। पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु P है और P से टीवी टावर की ऊंचाई इस बिंदु P पर है PQ, जिसकी ऊंचाई है या जिसका मान है H। अब पृथ्वी की सतह पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक को हम नाम देंगे QR1 और दूसरे को हम नाम देंगे इस तरह से QR2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको काम करना है कि पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु P है, P पर PQ टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई H है, टीवी टावर के उच्च बिंदु Q से पृथ्वी की सतह पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं QR1 और QR2। अब इसको हमने चित्र से बना के देखा, अब इसको हमको लिखना भी है थ्योरी, तो आप कैसे लिखेंगे? माना पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु P है जिस पर PQ टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई H है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप, हमने मान लिया PQ टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई H है। अब पृथ्वी की सतह पर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींचे हैं QR1 और Q2। पृथ्वी की सतह पर दो स्पर्श रेखाएं QR1 और QR2 खींची गई हैं अब चूंकि हम पृथ्वी की सतह के बारे में बात कर रहे हैं, टीवी टावर की बात कर रहे हैं, पृथ्वी का बात करेंगे तो उसका एक केंद्र भी होता है, उसका त्रिज्या भी होता है। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र है यहाँ पर है, चूंकि ये गोल होगा पृथ्वी, तो उसका केंद्र हम यहाँ पर मान लेते हैं, पृथ्वी का केंद्र को हम O मान लेते हैं, और उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, उसको हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है ना। तो माना पृथ्वी का केंद्र O है और त्रिज्या कैपिटल R है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि टीवी टावर जब ये है तो उसका सिग्नल कहाँ तक पहुँचेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। टीवी टावर अपना PQ है तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर दो बिंदु हमने लिए है R1 और R2, तो यहीं तक ही सिग्नल पहुंच सकता है, इसके बाहर सिग्नल नहीं जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि PR1 और PR2 दूरी तक ही सिग्नल ग्रहण किए जा सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ चित्र से,
टीवी टावर से जो सिग्नल प्रेषित होगा, टीवी टावर से प्रेषित सिग्नल दूरी पी आर वन और पी आर टू तक ही ग्रहण किए जा सकते हैं, तक ही ग्रहण किए जा सकते हैं, ठीक है। चित्र बनाने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। हमने पी क्यू टीवी टावर माना है जिसकी ऊंचाई h है, दो स्पर्श रेखाएं हमने खींचा है क्यू आर वन और क्यू आर टू इस पृथ्वी की सतह पर, और उस पृथ्वी का केंद्र हमने O माना है, उसकी त्रिज्या को हमने R माना है। तो यहाँ पर टीवी टावर से जो सिग्नल प्रेषित होगा वो इस दूरी तक ही ग्रहण किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि मैं इसको मिला लेता हूँ तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, इसका अर्थ ये हुआ त्रिज्या आर, ओ आर टू भी त्रिज्या हो जाएगा, उसको भी हम आर मान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि यदि त्रिज्या पर कोई स्पर्श रेखा डाला जाए तो वो उस पर लंब होता है, तो यहाँ पर ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो चित्र से ही हम देख के समझ सकते हैं कि कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। तो जैसे ओ क्यू बोलूँ, ओ क्यू का मान मैं बोल सकता हूँ R plus H। उसी तरह से ओ आर वन जो है ये त्रिज्या ही है, इसका अर्थ हुआ कैपिटल R, और R1Q को मैं थोड़ी देर के लिए लगभग बराबर मान लेता हूँ पी आर वन के, हालांकि देखने से वो बराबर लगता नहीं है, लेकिन मैं इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग मान रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ डी। फिजिक्स में मानना बहुत जरूरी रहता है। तो हम टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध देख रहे हैं और उसका बहुत कुछ हिस्सा हमने कवर कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, क्यों हुआ ये मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या पर आ रहा है, तो त्रिज्या पर कोई भी स्पर्श रेखा लंब होती है, आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा प्रमेय वगैरह में, है ना। तो हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज क्यू आर वन ओ में, और किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है, तो मैं कह सकता हूँ कर्ण का वर्ग कर्ण हो जाएगा OQ का वर्ग लंब आपका हो जाएगा R1Q प्लस R1O का स्क्वायर, ठीक है, समझ ही गए होंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब OQ का मान आप यहाँ से देख लीजिए, R plus H का वर्ग, R1Q का मान देख लीजिए हमने माना है D, तो ये हो जाएगा आपका D का वर्ग प्लस R1O का जो मान है वो त्रिज्या ही है, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर, A धन B पूरे का घात 2 से इसको हम खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस 2RH बराबर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, आप पक्षांतर करेंगे तो भी वो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाता है, h का वर्ग प्लस 2RH बराबर d का वर्ग,
यदि मैं इसी को आगे और हल करूं तो d बराबर मैं लिख सकता हूं h का वर्ग प्लस 2RH इसका वर्गमूल, ये हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण, जहां पर ये जो d है वो प्रसारण दूरी है। मैंने जो चित्र बनाया ना कि सिग्नल जो टीवी टावर की ऊंचाई है PQ है, तो सिग्नल कहां तक पहुंचेगा, R1 और R2 दूरी तक ही पहुंचेगा। कहने का मतलब PR1 या PR2 दूरी तक ही पहुंचेगा, और इसी PR1 दूरी को मैंने D माना है, मतलब वो प्रसारण दूरी हुआ। ठीक है, तो प्रसारण दूरी का सूत्र ये आ गया h का वर्ग प्लस 2RH का वर्गमूल। पर आप चित्र से देख रहे हैं कि टीवी टावर की जो ऊंचाई h है वो त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होगा, पृथ्वी बहुत विशाल है तो उसकी त्रिज्या भी बहुत बड़ी होगी, टीवी टावर तो छोटा होगा उसकी ऊंचाई छोटी होगी। तो मैं कह सकता हूं चूंकि h बहुत छोटा है कैपिटल R से, तो समीकरण एक में इसी को रख देते हैं, समीकरण एक से यदि h बहुत छोटा है R से तो h को हम नगण्य मान सकते हैं, मतलब शून्य मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास, अपने पास हो जाएगा h का वर्ग को, h को हमने नगण्य मान लिया है तो ये शून्य हो जाएगा। h जो है शून्य हो जाएगा तो ये बचेगा 2RH, 2RH, ठीक है। तो या आगे मैं कह सकता हूं कि d अनुक्रमानुपाती है h के वर्गमूल का, और ये हमारा सूत्र है या यही हमारा संबंध है। समीकरण दो ही टीवी टावर की ऊंचाई h और प्रसारण दूरी d के बीच का अभीष्ट संबंध है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो टीवी टावर की ऊंचाई यदि अधिक होगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है तो टीवी टावर की ऊंचाई अधिक होगा तो प्रसारण दूरी भी ज्यादा होगा, मतलब अधिक दूरी तक सिग्नल जा सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टीवी टावर की ऊंचाई अधिक होने से प्रेसी सिग्नल अधिक दूरी तक जा सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई अधिक होने से प्रेसी सिग्नल अधिक दूरी तक जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी के बीच संबंध। आप बगैर चित्र बनाए इसको नहीं समझा सकते, तो चित्र को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हमने एक पृथ्वी माना है, उसका सतह माना है, सतह पर कोई बिंदु माना है, और टीवी टावर की ऊंचाई माना है, उसके बाद उसका केंद्र और त्रिज्या माना है, और उसको आराम से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल किया है। तो हमारे पास जो संबंध आता है वो यही संबंध है, प्रसारण दूरी और टीवी टावर की ऊंचाई के बीच का संबंध। चूंकि प्रसारण दूरी ऊंचाई का अनुक्रमानुपाती है तो ऊंचाई जितना ज्यादा होगा प्रेसी सिग्नल उतने ही ज्यादा दूरी तक जाएगा, तो ये अभीष्ट संबंध है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है सूक्ष्म तरंगे, चलिए देखते हैं।
अब हम देख लेते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोवेव्स। नाम से स्पष्ट है कि इनका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होगा। सूक्ष्म तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनका तरंगदैर्ध्य कुछ ही मिलीमीटर के क्रम का होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। तो परिभाषित कैसे करेंगे? सूक्ष्म तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनका तरंगदैर्ध्य कुछ ही मिलीमीटर, आप लोग जानते हैं सेंटीमीटर से छोटा जो इकाई होता है वो मिलीमीटर होता है। कुछ ही मिलीमीटर कहने का मतलब लगभग 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर इसके क्रम का होता है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म तरंगे वे तरंगे हैं जिसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, मतलब मिलीमीटर के क्रम का होता है। हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के क्रम का होता है। लेकिन हमने अभी टीवी सिग्नल के बारे में बात की थी, सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति टीवी सिग्नल की आवृत्ति से अधिक होती है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, टीवी सिग्नल की आवृत्ति से अधिक होती है। टीवी सिग्नल की आवृत्ति से अधिक होती है। तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति टीवी सिग्नल की आवृत्ति से ज़्यादा होती है, भले ही इसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, कुछ ही मिलीमीटर के क्रम का होता है। हमने माना है कि इसका तरंगदैर्ध्य हो सकता है 1 मिलीमीटर, जो बहुत छोटा मान है, या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 100 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो बहुत कम तरंगदैर्ध्य होता है, और जिन तरंगों का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है उनका विवर्तन नहीं हो पाता बड़े अवरोध से। आपने पिछली कक्षाओं में विवर्तन के बारे में पढ़ा होगा कि बड़े अवरोध से इनका विवर्तन ठीक से नहीं हो पाता, किनका, जिनका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। तो फिर क्या होता है, यदि विवर्तन नहीं हो पाता तो क्या होगा, किस रूप में आगे बढ़ेंगे ये तरंगे जो है सूक्ष्म पुंज के रूप में आगे बढ़ती है। किस तरह से आगे बढ़ती है, सूक्ष्म पुंज के रूप में आगे बढ़ती है, और इसी गुण का उपयोग रडार प्रणाली में होता है, ठीक है ना। इसी गुण का उपयोग किसमें होता है, रडार प्रणाली में। तो उसको भी लिख सकते हैं हम, कम तरंगदैर्ध्य होने से ये तरंगे बड़े अवरोध से विवर्तित नहीं हो पाती, अतः ये तरंगे सूक्ष्म पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं, सूक्ष्म पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये बहुत बड़ा गुण है सूक्ष्म तरंगों का, और इसीलिए इनको बगैर फैलाव के बहुत दूर तक भेजा जा सकता है, किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है, ठीक है ना। इस गुण का उपयोग सूक्ष्म तरंग में, चूंकि यही गुण होता है कि इसमें विवर्तन नहीं होता, तो ये सूक्ष्म पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं, और इसी गुण का उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। इसी गुण के कारण इनका उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। इसी गुण का उपयोग रडार प्रणाली में
किया जाता है। रडार प्रणाली आपने पहले पढ़ा होगा, समझा होगा कि किस तरह से हम रडार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म तरंगों के बारे में एक बार फिर समझ लीजिए कि ये वे तरंगें हैं जिनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, कुछ ही मिलीमीटर के क्रम का होता है। तरंग दैर्ध्य भले कम होता है लेकिन इनकी आवृत्ति टीवी सिग्नल की आवृत्ति से अधिक होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तरंग दैर्ध्य चूंकि कम है तो ये बड़े अवरोध से विवर्तित नहीं हो पाते और ये तरंगें सूक्ष्म पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं। चूंकि ये गुण खास गुण है, इसी गुण के कारण इनका उपयोग हम रडार प्रणाली में देखते हैं। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक लेंगे उपग्रह संचार, उसको देखेंगे। हमने आज दो टॉपिक अभी देखा, टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध के बारे में। इसके बाद हम उपग्रह संचार देखेंगे। तो हमने अभी सूक्ष्म तरंगों के बारे में जाना कि सूक्ष्म तरंगे क्या होते हैं, अब हम देखेंगे उपग्रह संचार के बारे में। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उपग्रह संचार। नाम में उपग्रह आ रहा है, उपग्रह के बारे में आप लोग जानते होंगे। उपग्रह संचार, सबसे पहले ये जान लेते हैं, हालांकि आप पहले पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कि ग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं और सौर मंडल किसको कहते हैं। सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य है, सन है, और सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट। जैसे कि पृथ्वी हमारा एक ग्रह है क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इन ग्रहों के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट। तो आज हम इसी सैटेलाइट संचार के बारे में पढ़ेंगे, उपग्रह संचार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, तो ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि उपग्रह संचार हम किसको कहेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आजकल सिग्नलों को पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है जिन्हें संचार उपग्रह कहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें संचार उपग्रह कहते हैं। ये उपग्रह संचार नहीं है, ये हमने शुरुआत किया हुआ है कि सिग्नलों को पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजना है तो उसके लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। हमारा जो प्राकृतिक उपग्रह है वो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन कृत्रिम उपग्रह जो हम मानवों ने बनाए हैं अपने फायदे के लिए,
आप देखते हैं रायपुर के स्टेडियम में मैच हो रहा है, उसको हम घर बैठे टीवी पर देख पाते हैं। किन की मदद से? कृत्रिम उपग्रहों की मदद से। हम कई बार मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान जो लगाते हैं वैज्ञानिक, वो किन की मदद से पता करते हैं? इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों की मदद से पता करते हैं और पूर्व जानकारी देने में कुछ हद तक सक्षम होते हैं। तो आजकल ये देखा जाता है कि सिग्नल को पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का सहारा लिया जाता है, जिन्हें संचार उपग्रह कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले उपग्रह संचार की। संचार की ऐसी विधि, ये महत्वपूर्ण है, संचार की ऐसी विधि जिसमें प्रेषित्र, ये आप लोगों के लिए नया शब्द है, प्रेषित्र मतलब जहां से सिग्नल भेजा जाता है, जो भेजने वाला है, प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच सिग्नल का संचार उपग्रहों के द्वारा होता है, एक होता है प्रेषित्र, जहां से सिग्नल भेजा जाता है या जो भेजता है सिग्नल, और दूसरे को कहते हैं अभिग्राही, जो सिग्नल को ग्रहण करता है। तो जैसे हम टीवी देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं? क्योंकि एंटीना होता है, आजकल तो सेट टॉप बॉक्स आ गए हैं और उस हिसाब से एंटीना आ गए हैं, है ना। तो जो सिग्नल आता है वो ग्रहण करता है, सेट टॉप बॉक्स में आता है आखिर में, और उसके माध्यम से हम चित्र देख पाते हैं टीवी पे, ठीक है। तो संचार की ऐसी विधि जिसमें प्रेषित्र और अभिग्राही के बीच सिग्नल का संचार उपग्रहों का के द्वारा होता है, उसे उपग्रह संचार कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि उपग्रह संचार के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उपग्रह संचार के लिए दो प्रकार के उपग्रह उपयोग किए जाते हैं। एक को बोला जाता है निष्क्रिय उपग्रह, और दूसरे को बोला जाता है सक्रिय उपग्रह, ठीक है ना। तो इन कृत्रिम उपग्रहों की मदद से ही हम जान पाते हैं कि कैसे सिग्नलों का संचार करना है। तो यही है उपग्रह संचार। और उपग्रह संचार में जो प्रयुक्त जो उपग्रह हैं, दो तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, एक को कहते हैं निष्क्रिय उपग्रह और दूसरे को कहते हैं सक्रिय उपग्रह, ठीक है। इसके आगे देखेंगे कि निष्क्रिय उपग्रह किसको कहते हैं और सक्रिय उपग्रह किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए आ जाते हैं अब निष्क्रिय उपग्रह किसको कहेंगे। निष्क्रिय उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जो प्रेषित्र से जो सिग्नल आएंगे, प्रेषित्र मतलब जहां से सिग्नल भेजा जाता है, मैंने पहले भी बताया, जो प्रेषित्र से जो सिग्नल आएंगे उसको उसी रूप में परावर्तित कर अन्य क्षेत्रों की ओर उसको भेजने का काम करता है। तो ऐसे उपग्रह जो प्रेषित्र
से आने वाले सिग्नलों को प्रेषित्र से आने वाले सिग्नलों को उसी रूप में परावर्तित करके अन्य क्षेत्रों की ओर भेजते हैं। ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, समझ कर याद करना पड़ेगा। अन्य क्षेत्रों की ओर भेजते हैं। मैंने पहले भी बताया कि उपग्रह संचार के लिए दो तरह के उपग्रह इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को कहते हैं निष्क्रिय उपग्रह। ये ऐसे उपग्रह होते हैं जो प्रेषित्र से आने वाले सिग्नलों को उसी रूप में परावर्तित कर अन्य क्षेत्रों की ओर भेजने का काम करते हैं। दूसरा जो मैंने बताया सक्रिय उपग्रह, ये ऐसे उपग्रह होते हैं जिनका स्वयं का एंटीना तंत्र होता है, स्वयं का प्रेषित्र होता है, स्वयं का अभिग्राही होता है, है ना। ऐसे उपग्रह जिनका स्वयं का एंटीना तंत्र आपका प्रेषित्र और अभिग्राही होता है, ठीक है ना। ये बाहर से नहीं होता, इनका खुद का एक एंटीना तंत्र होगा, खुद का प्रेषित्र होगा जहां से सिग्नल भेजा जाएगा, और खुद का अभिग्राही होगा जो उन सिग्नलों को ग्रहण करेगा। तो ये ऐसे सक्रिय उपग्रह इसीलिए कहलाते हैं। अब ये सक्रिय उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं इसको भी जानना महत्वपूर्ण है। सक्रिय उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इन उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो सक्रिय उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जिनका स्वयं का एंटीना तंत्र होता है, प्रेषित्र होता है, अभिग्राही होता है, और इन उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो आजकल बोर्ड परीक्षाएं, तो आप लोगों का बोर्ड परीक्षाएं होता है दसवीं और बारहवीं का, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तुल्यकाली उपग्रह के बारे में, तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तुल्यकाली उपग्रह, खासकर इनके परिक्रमण काल के बारे में पूछा जाता है। अब मैंने बताया ना तुल्यकाली उपग्रह, मतलब उपग्रह मतलब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा, और ग्रह क्या है हमारा, पृथ्वी है। तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, पृथ्वी का एक अक्ष होता है उसके लंबवत तल में किसके चारों ओर परिक्रमा करेगा, पृथ्वी के ही चारों ओर परिक्रमा करेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो उपग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते हैं तथा जिनका परिक्रमण काल, जिनका
परिक्रमण काल, पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल, पृथ्वी का परिक्रमण काल आप लोगों को मालूम होगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 24 घंटे में लगाता है, तो वही उसका परिक्रमण काल है 24 घंटे। जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। बराबर होता है उन्हें क्या कहते हैं? तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थैतिक उपग्रह कहा जाता है। उन्हें तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना? तो तुल्यकाली उपग्रह को दूसरे शब्दों में भूस्थैतिक उपग्रह भी कहा जाता है। और ये ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा तो करते हैं लेकिन पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। और दूसरा इनका खास बात यह है कि इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। और सबको मालूम है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, तो इन तुल्यकाली उपग्रहों का भी परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। तो आप लोगों को दो बातें याद रखनी है, एक तो ये किस दिशा में परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की। और दूसरा इनका परिक्रमण काल क्या होता है? इनका परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आज जो भी पढ़ाया उसको हम यदि संक्षिप्त में देखना चाहें तो जैसे सबसे पहला टॉपिक था मेरा टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में। ठीक है ना, टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में, तो हमने लास्ट में जो व्यंजक निकाला टीवी टावर की जो प्रसारण दूरी थी डी, वो अनुक्रमानुपाती था एच के वर्गमूल के। एच मतलब टीवी टावर की ऊंचाई, तो जितनी ऊंचाई ज़्यादा होगी उसका मान ज़्यादा होगा, उतनी ही सिग्नल अधिक दूरी तक जाएगा, प्रसारण दूरी का मान उतना ही ज्यादा होगा, ये हमने देखा। दूसरा हमने देखा सूक्ष्म तरंगे जिसको माइक्रोवेव्स कहते हैं। सूक्ष्म तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनका तरंगदैर्ध्य केवल कुछ ही मिलीमीटर के क्रम का होता है और इन तरंगों को बड़े अवरोध से विवर्तित नहीं किया जा सकता, बल्कि ये सूक्ष्म तरंगों के रूप में ही आगे बढ़ते हैं। और सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किस तकनीक में किया जाता है? रडार तकनीक में किया जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद जो मेरा आज दूसरा एक अन्य टॉपिक था उपग्रह संचार के बारे में। आजकल हम देखते हैं कि सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो उसके लिए कृत्रिम उपग्रह का सहारा लिया जाता है, जिन्हें हम संचार उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना, और इसी के अंतर्गत उपग्रह संचार आते हैं। और उपग्रह संचार के हमने दो प्रकार देखे, एक तो निष्क्रिय उपग्रह और दूसरा सक्रिय उपग्रह। तो ऐसे उपग्रह जो प्रेषित्र से आने वाले सिग्नलों को उसी रूप में परिवर्तित कर दे तो उसे हम कहेंगे निष्क्रिय उपग्रह। सक्रिय उपग्रह का खुद का एंटीना होगा, खुद का प्रेषित्र होगा, खुद का अभिग्राही होगा। और ये सक्रिय उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? पृथ्वी की सतह से कई सौ किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने देखा तुल्यकाली उपग्रह या जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। ये ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा तो करते हैं लेकिन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। ठीक है ना, तथा जिनका परिक्रमण काल बिल्कुल पृथ्वी के परिक्रमण काल जो कि 24 घंटे होता है के बराबर होता है। तो ऐसे उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थैतिक उपग्रह हम कहते हैं। ठीक है, अगले बार हम पढ़ेंगे, इसके आगे चैप्टर है रिमोट सेंसिंग के बारे में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद लेज़र पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।